वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है जबकि हमें दिस एंगल दे दिया गया है 90 डिग्री, दिस एंगल इज 45 डिग्री एंड दिस इज 20। सो अगर हम यहाँ पे साइन 45 इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों साइड्स इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि साइन 45 का वैल्यू होना चाहिए अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस, मतलब कि 20 बाई एक्स, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 बाई एक्स, और x इक्वल्स टू हो जाएगा 20 रूट 2 इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 2 का वैल्यू अगर हम पुट करें 1.414 तो हमें मिलेगा 28.28। सो x का वैल्यू होगा 28.28। थैंक यू।